कोरोना महामारी का कहर जहानाबाद जिले में लगातार जारी है। ऐसे में लोगों की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ गई है। महामारी का असर हमारे पर्व त्योहारों पर देखने को मिल रहा है। कोरोना महामारी ने हर तरह से त्योहारों की भव्यता और उसके रौनक पर ग्रहण लगा दिया। पवित्र रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर भी 20 दिन पहले से ही जहां हाट बाजार में राखी की दुकानें सज जाया करती थी, पर इस बार कोरोना के प्रकोप के कारण दुकान खोलने की अनुमति नहीं है। रक्षाबंधन के मद्देनजर रविवार को राखी की दुकानें खोलने की अनुमति मिली। राखी के दुकानों में राखी खरीदने को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। शहर के स्टेशन, मटकोरी कुआं, मलहचक मोड़ और तमाम जगहों पर राखी की दुकानें सजी दिखी, पर हर बार की तरह रौनक गायब थी। इस बाबत एक दुकानदार ने बताया कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण पिछले वर्ष की तुलना में राखी की बिक्री न के बराबर है। राखी का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ, दुकानें नहीं खुलने से परेशानी बढ़ी। वहीं जो बहनें अपने भाई के लिए बाहर राखी भेजती थी, वो भी इस बार नहीं भेज सकी हैं। सब कुछ ऑनलाइन ही काम चलाया जा रहा है। पर पहले जो त्योहारों का असर रहता था, त्योहारों को लेकर जो उत्साह और उमंग रहता था, कोरोना संकट काल में वो उमंग, वो उत्साह देखने को नहीं मिल रहा। बहुत कम है, बहुत कम। सब बोल रहे हैं कि अभी कोरोना का हाल है, राखी कहाँ जाएंगे बंद है, गाड़ी घोड़ा सब बंद है। अच्छा, कहाँ जाएंगे बंद? क्या दिक्कत हो रही है? सर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, ग्राहक भी नहीं निकल रहा, सट सट के लेने भी नहीं पड़ता सबको, सबको दूर दूर हटा हटा कर देते हैं राखी। तो बिक्री नहीं है? ठीक, बिक्री है ही नहीं। हाँ। 1% बिक्री नहीं है मार्केट के लिए। तवर से कोरोना के लेकर बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत प्रभाव पड़ा है सब बिजनेसमैन को पड़ा। क्या नाम हुआ? मेरा सुरेश कुमार।